स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान लूसेंट में जो इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है आदि जन्म स्थली माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। फिर देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो सीधा सा इसमें उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, मानव जाति का पालना वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। एक जगह पे आदि जन्म स्थली पूछ लिया है और दूसरी जगह पे पूछा गया है मानव जाति का पालना, तो दोनों एक ही चीज है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर हेमो इरेक्टस, फिर नियंडरथल मानव, फिर क्रोमैग्नन मानव। ये सही क्रम है, ध्यान रखिएगा। तीसरे का उत्तर जो है वो पहला होगा। फिर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना गया है? तो देखिए फिर से यही प्रश्न आया है। तो देखिएगा, मानव जाति का आदि पूर्वज, अब इससे पहला वाला जो प्रश्न था, अब आदि पूर्वज यहां पर पूछा गया है। इससे पहले वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे वहां पर आदि जन्मस्थली पूछा गया था। तो यहां पर देखेंगे चौथे का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पांच नंबर पे आते हैं, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया, मैडम क्यूरी। तो इसमें जो उत्तर है मानव माता जिसे माना जाता है वो है लूसी। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, छह नंबर पे, सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है? तो छह नंबर का उत्तर देखें, ये दूसरा होगा पिथैंक्रोटोपस के नाम से जाना जाता है। सात नंबर पे आते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका उत्तर करने का प्रयास करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा नर्मदा घाटी। सात का उत्तर है सर्वप्रथम मानव संबंधित पुरातात्विक प्रमाण जो मिले हैं वो नर्मदा घाटी। फिर आठ नंबर देखते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? कपाल का मतलब है ऊपर का भाग, ठीक है। चलिए देखते हैं सिर के ऊपर का भाग। तो आठ नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो नर्मदा घाटी में एक स्थान है हथनोरा, वहां पर मिला है कपाल। फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद जिसने सबसे पहले दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेंकेटोफिकस या नियंडरथल या क्रोमैग्नन। तो यहां पर नौ का जो सही उत्तर होगा वो होगा पिथेंक्रोटोपस। जो सही उत्तर होगा वो होगा पिथेंक्रोटोपस, सही उत्तर होगा। दस नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल या क्रोमैग्नन मानव। तो 10 का आपको उत्तर करना है। तो आग की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो होमो इरेक्टस को दिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? उसमें ऑप्शन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेंकेटोफिकस या नियंडरथल या क्रोमैग्नन। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सभी लोग जान ले, 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव ने सर्वप्रथम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। फिर देखें 12 नंबर, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है यानी जो आधुनिक मानव है उसका पूर्वज कौन है, उससे बिल्कुल समीप कौन है? पीकिंग मानव, जावा मानव, नियंडरथल मानव या क्रोमैग्नन मानव। तो जो 12 का उत्तर होगा वो होगा क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव सही आंसर है, ये मानव के हाल के पूर्वज है। 13 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नियंडरथल मानव, उसके बाद है हिंगलबर्ग मानव, पिल्टगनकन मानव और क्रोमैग्नन मानव। तो जो 13 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव, नवीनतम समझा जाता है।
इससे पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं, प्रश्न कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही था, आदि पूर्वज, ठीक है। इसके बाद देखें 14 नंबर, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सीधे से आप उत्तर कर देंगे क्रोमैग्नन मानव, बिल्कुल जैसा 13 नंबर प्रश्न है उसी का ये कुछ बदला हुआ स्वरूप है। चलिए देखते हैं 15 नंबर, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, पिथेकेटोपस या नियंडरथल, होमो सेपियंस। तो 15 का जो सही उत्तर है वो है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस कहा जाता है आधुनिक मानव को, मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियंस। 16 नंबर पे आते हैं, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज हुई, दैमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या सोहनघाटी। तो जो 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पल्लवरम, पल्लवरम 16 का जो सही उत्तर होगा पल्लवरम। तो आप लोग अगर बताना चाहें तो बताएं कि पल्लवरम वर्तमान में कहां पर स्थित है, पल्लवरम वर्तमान में कहां स्थित है, तो पल्लवरम वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था, यह महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट ब्रूसफुट से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जो 17 का जो उत्तर है वो बी है 1863, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे, और ये 1863 में, और यह कहा जाता है सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण किसने खोजा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। फिर देखें 18 नंबर, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की वो मूलतः थे, एक देखना है ऑप्शन देखें इसमें, देखें एक पुरातत्वविद, फिर एक है भूवैज्ञानिक, एक इतिहासकार और एक अगला है पूरा वनस्पतिविद। तो इसमें आपको सही उत्तर करना है मूलतः क्या थे, तो ये मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे, यहां पर आप गलत कर सकते हो, पुरातत्वविद लगा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट ये एक भूवैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है, तो आप बताएं एचडी संकालिया, ए कनिंगम, एफ आर ऑल्फिन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो 19 का जो सही उत्तर है वो होगा डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट, इससे पहले भी आप प्रश्न करके आए हो तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न भारत के, अच्छा इनके बारे में एक चीज और जान लें कि ये इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। 20 नंबर देखें, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है, भीमबेटका से, हथनोड़ा से, सरायनारहा से या दमदमा से। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हथनोरा, हथनोरा होगा, ध्यान रखिएगा प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है वो हथनोरा से मिलता है। तो आपको जरा एक चीज बता देना है कि हथनोरा कहाँ पर स्थित है, तो हथनोरा ये होशंगाबाद जिला में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद, ये चीज भी ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ में होशंगाबाद, और होशंगाबाद कहाँ पे है सभी को ये पता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या प्राकृतिक। तो 21 का देखिए उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराने समय में मनुष्य प्रकृति से जुड़ा था, तो जीवन भी कैसा होगा, प्राकृतिक होगा। 22 नंबर पे आते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, वो क्या करता था, कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। 22 का जो सही उत्तर होगा वो डी, शिकार खेलना या शिकार करना, भोजन के लिए शिकार करना। अगले प्रश्न पे आते हैं, 23 नंबर पे आते हैं, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, घुड़सवारी या शिकार। तो देखिए यहां पर फिर से वही बात आ जाती है, शिकार मनोरंजन का साधन भी था और साथ साथ में मानव का पेट भी भरता था। 24 नंबर पर पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा दी गई सबसे बड़ी खोज थी, यहां पर पुरापाषाण युग पूछा गया है, तो 24 का जो उत्तर होगा ए, मानव ने आग जलाना वो सीखा कब, पुरापाषाण युग में, लेकिन उपयोग ये किसी आगे युग में सीखेगा वो हम आगे देखेंगे। चलिए 25 नंबर पर, भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांशता औजार बने थे, स्फटिक के, सिलखड़ी के, गोमेद के या इंद्र गोप मणि की। तो 25 का जो सही उत्तर है वो है ए, स्फटिक के,
बने हुए थे, ध्यान रखिएगा इस फटिक के बने हुए थे। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण, नवपाषाण या ताम्र पाषाण। तो सोहन संस्कृति ये किसका दूसरा नाम है, तो ध्यान रखिएगा पूरा पाषाण। तो सोहन लाल बहुत पूरा पाषाण है, ठीक है, बहुत पुराने हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे। 27 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, यहां पर पूछा गया है नहीं प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाणिक उपकरण, यानी सबसे प्राचीन, सोहन नदी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम। तो देखो सोहन घाटी तो नहीं हो सकता है, इसके अतिरिक्त देखते हैं 28 में जो सही उत्तर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 27 का जो सही उत्तर होगा डी आहाड़, 27 का सही उत्तर होगा डी आहाड़, यहां से पूरा पाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं और बाकी सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरपक्कम से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं, यहां पर पूछा गया है जस्ट अपोजिट मिले हैं, यहां पर पूछा गया था नहीं मिले हैं। तो 28 का देखिए जो उत्तर होगा वो होगा ए, मतलब पंजाब, पंजाब से पूरा पाषाणकालीन कोई भी अवशेष नहीं मिलते हैं। 29 देखते हैं, सिंघावल एक स्थल है, सिंघावल एक पूरा स्थल है, आपको बताना है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का या मध्य पाषाण संस्कृति का या नव पाषाण संस्कृति का या ताम्र पाषाण संस्कृति का। तो 29 का जो सही उत्तर है वो है, ध्यान रखिए यहाँ पर 29 का सही उत्तर सभी को बताना है, एक बार उत्तर करने का प्रयास करें। 29 का उत्तर है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, यहाँ पर सही उत्तर है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिंघावल एक स्थल है, अच्छा सिंघावल स्थित कहाँ है ये भी जान लें, सिंघावल ये मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और सोन घाटी में स्थित है, सोन घाटी के आसपास ये स्थित है, ये भी स्थिति भी जानते रहे। 30 नंबर पे आते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है, आपसे यहाँ पर सही पूछा गया है तो बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सही हुआ, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था और अंतिम है वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, 30 का सही उत्तर है ए। चलिए 31 पे आते हैं, संघाओ या संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है, एक स्थान है, निम्न पूरा पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का या ताम्र पाषाण काल का। तो संघाओ के बारे में आपको बताना है, तो देखें 31 का उत्तर होगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल का, ध्यान रखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल का ये है। अच्छा यहां पर ये भी ध्यान रखें कि संघावो या संघाओ ये स्थित कहाँ है, तो ध्यान रखें वर्तमान में संघाओ ये अफगानिस्तान में स्थित है, कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है पूरा पाषाण यानी जो सबसे पुरानी संस्कृति है उससे कौन सा औजार संबंधित नहीं है, कुल्हाड़ी, गड़ासा, विदर्नी या सेल्ट। तो यहां पर आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिएगा जो 32 का जो सही उत्तर है वो है सेल्ट, ध्यान रखें सेल्ट और बाकी सब औजार प्रयोग में लाए जाते थे। 33 नंबर पर बढ़ते हैं, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। तो ध्यान रखें यहां पर 33 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, यहां से मातृ देवी की हड्डी की बनी हुई एक प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है चलिए, जबकि जब अब आप आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वहां मातृ देवी की प्रतिमा किसी दूसरी मटेरियल से बनी होगी। 34 नंबर पे आते हैं, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा गया है, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति होगा, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्या है, जब कोई औजार बनाया जाता है तो उस औजार के किनारों को बहुत ही शार्प कर दिया जाता है, जैसे कि वर्तमान में आप चाकू को देख सकते हैं। चलिए 35 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक एग सेल्स मिले हैं,
पटने, अहाड़, कैथा, चिरांद। तो यहां पे आपको उत्तर करना है 35 का। तो देखिए 35 का, देखिए इसका सही उत्तर है पटने। पटने सही उत्तर है। पटने को हम पटवे भी कहते हैं, पटवे भी कहते हैं। और पटवे वर्तमान में स्थित कहां है ये आपको जानना होगा। ये स्थित है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए 36 नंबर पे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंता मनु गाविलीन, चिंता मनु गाविल शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों से सर्वाधिक समृद्ध प्राप्त स्थल के रूप में, मतलब समझिएगा चिंतामन गावालीन ये जो स्थल है यहां से उच्च पुरापाषाण काल में बनी हड्डी और सींगों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। और कभी कभी ये आंध्र प्रदेश ना पूछ के दक्षिण भारत भी पूछ सकता है। 37 नंबर पे आते हैं। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है। तो 37 का जो सही कालक्रम है वो ध्यान रखिए, वो है पहला, ध्यान रखिए पहले आएंगे एबिलियन, फिर एसुलियन, फिर मस्टेलियन, फिर मैगलियन। ध्यान रखिएगा ए, 37 का उत्तर है ए। 38 में आते हैं पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं, यानी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के काल को हम क्या कहते हैं। तो 38 का जो सही उत्तर होगा वो ध्यान रखेंगे मध्य पाषाण काल, ध्यान रखेंगे मध्य पाषाण काल। 38 का सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। 39 की ओर बढ़ते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो बागोर से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे 39 बागोर, बागोर से प्राप्त हुआ है। तो बागोर स्थित कहां है ये भी ध्यान रखें, बागोर स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है, बागोर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। माइक्रोलिथ यानी छोटे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या नवपाषाण। तो आपको बताना माइक्रोलिथ जो उपकरण है या हथियार है इनका प्रयोग कहां पे होता था। तो 40 का जो सही उत्तर हो है वो है मध्यपाषाण, मध्यपाषाण उसका सही उत्तर है मध्यपाषाण, ध्यान रखिएगी इसको। चलिए अगले ओर बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहां पर स्थित है। तो सीधे से आपको यहां पर उत्तर कर देना है 41 का सी यानी मध्य प्रदेश। भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध स्थल है, बहुत पूछा जाता है। और ये ध्यान रखिए मेसोलिथिक संस्कृति का ये एक प्रमुख केंद्र है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न भी है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। 42 नंबर, तो देखिए ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर गुफाओं में शैल चित्र बने हुए। 43 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृगश्रंग यानी हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिलते हैं। दमदमा, मादहा, सरायनाहर राय और पटने या पटने। तो आपको 43 का उत्तर करना है। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा मादहा। मादहा वर्तमान में स्थित कहाँ पे है। तो ध्यान रखिए वर्तमान में ये यूपी में प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, खास करके राज्य के एग्जाम में। अच्छा एक चीज ये भी जान ले, सरा यहाँ पर महादहा से भैंस, हाथी, गैंडा और सुअर की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। 44 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण पाषाण यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर प्रश्न फिर से देखे ना। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण, हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। बागोर, देखिए देखिए सही उत्तर देखिएगा सभी लोग, बागोर, बागोर टू और उसके बाद है श्रीभानपुर और फिर है मादहा। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है बागोर, बागोर से प्राप्त हुआ है। बागोर कहाँ है ये मैं आप पीछे बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। फिर 45 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, अजंता, भीमबेटका या अमरावती। तो आपको बताना है 45 का उत्तर आपको करना है। तो देखिए इसमें सही उत्तर होगा भीमबेटका, जो सही उत्तर है वो है भीमबेटका, यहाँ पर सही उत्तर है। और भीमबेटका भी मैंने बताया कि ये गुफाओं में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 46 नंबर देखें, सरायनाहर राय और मादहा संबंधित है, किससे संबंधित है, विंध्य क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो 46 नंबर उत्तर देखें, 46 का जो उत्तर होगा सीधे से आप इसको कर देंगे गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से,
गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सरायराय और माधा ये दोनों स्थित कहां पर है, तो दोनों यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं, तो 47 का उत्तर हो जाएगा वो है भीमबेटका, और भीमबेटका ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी आप प्रश्न देखें, फिर से प्रश्न देखिएगा, फिर से वही प्रश्न है। यहां पर लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट, लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से यहां प्रमाण मिलते हैं। दो प्रश्न एक जैसे हैं। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राक ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला या श्रृंखला खोजी गई है, भाजा, भीमबेटका, जौरा या अजंता से, तो आपको सही बताना है, इसमें से एक से अधिक है तो सही उत्तर आपको करना है ए बी सी या डी। तो 49 का सही उत्तर आप लोग करें तो इसका सही उत्तर है 2 और 3 यानी सी, 2 और 3 यानी भीमबेटका और जौरा, ये महत्वपूर्ण है। 50 नंबर देखिए, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्योष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो आपको 50 का उत्तर करना है और 50 का सही उत्तर है वो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी डी, ये राइट आंसर है इसका। 51 पे आते हैं। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को या भेड़ों को, तो देखिए पाषाण युग के लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को इन्होंने पालतू बनाया, उसका कारण क्या था कि किसी भी खतरे को आगाह कर देना या शिकार में मदद करना ये इनके साथ होता था। चलिए 52 नंबर पे देखिए, भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, मानव अस्थि पंजर पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से, तो जो 52 का उत्तर है देखिएगा वो सही है, मध्य पाषाण काल से अस्थि पंजर मिलने शुरू हो जाते हैं, मानव के अस्थि पंजर। 53 देखें, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, टेरी स्थल कहा जाता है, तो यहां पर ध्यान रखिए 53 का उत्तर करें तो 53 का सही उत्तर है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु से मध्य पाषाण के जो स्थल मिले हैं उन्हें टेरी स्थल बोला जाता है, ये तमिलनाडु में है। 54 में आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नव पाषाण कालीन मानव की विशेषताएं थी, खेतीबाड़ी करना, पशुपालन करना, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास, तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, तो देखें जो 54 का जो सही उत्तर है वह वो है सी यानी 1, 2 और 3, सही उत्तर है 1, 2 और 3, ये ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3, तो 1 यानी खेतीबाड़ी, 2 यानी पशुपालन, तीसरा स्थायी बंदोबस्त, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। 55 देखते हैं, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, खाद्य संग्राहक से यानी खाद्य को संग्रह करने से खाद्य उत्पादक तक बना, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में, जो 55 का जो सही उत्तर है वो है नवपाषाण काल में, ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक के बजाय खाद्य उत्पादक बना, मानव अनाज पैदा करने लगा था। 56 देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, 56 का उत्तर आपको करना है, तो जो 56 का जो सही उत्तर होगा हाँ वो देखें सी यानी मेहरगढ़ से, सी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें वर्तमान में मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान के आसपास का इलाका माना जाता है, बलूचिस्तान का आसपास का इलाका माना जाता है, और चूंकि जब जब कृषि होती होगी तो कोई ना कोई नदी जरूर होगी, तो वहां पर बलूचिस्तान में बोलन नदी है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बोलन नदी, तो बोलन नदी को ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान में। चलिए 57 में बढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक अनुत्पादक यहां पर देखें, 57 नंबर प्रश्न, प्राक ऐतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहां अवस्थित है, मेहरगढ़ पूछा गया है कहां पर अवस्थित है, तो अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। फिर देखते हैं अगले प्रश्न में, 58 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, गेहूं, जौ, चावल या बाजरा, तो 58 का जो सही उत्तर है वो है गेहूं, मानव ने सर्वप्रथम गेहूं का प्रयोग किया था। चलिए
अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? आपने अभी देखा गेहूं के साथ अलग से मिले गेहूं और जौ के एक साथ साथ रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ या कोल्डीवा। तो 59 का जो उत्तर है वो है मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा जो सही उत्तर है वो मेहरगढ़। 60 देखते हैं। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के साचे मिलते हैं? तो आपको उत्तर करना है आदमगढ़, आहार, बागोड़ या बेलन घाटी। तो आपको 60 का उत्तर करना है। तो यहां पर देखिएगा उत्तर होगा बेलन घाटी। सही उत्तर है बेलन घाटी। 61 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कश्मीर में बुर्जहोम, बिहार में चिरांद, गुजरात में लोथल, उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो देखें ये सही उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। तो ये इंपॉर्टेंट है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य ये उत्तर प्रदेश से कोल्डीवा से मिला। 62 देखते हैं। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया? 62 थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। नवपाषाण काल में जब मानव थोड़ा सा कल्चर उसका सुधरता है तो अब वो स्थायी जीवन जीने का प्रयास करने लगता है, यानी खेती करने लगता है, घर बनाने लगता है और संग्रह करने लगता है। चलिए 63 पे आते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में पूछा गया है तो बागोर, काल्पी, आदमगढ़ और टेरी। तो देखिए जो गंगा घाटी में नहीं है तो उनको तो आप बिल्कुल हटा ही दो। तो टेरी तो दक्षिण भारत में, उसको तो हटा ही दो। आदमगढ़ ठीक है, इसके अलावा काल्पी जो बेस्ट ऑप्शन है चूंकि गंगा नदी काल्पी तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? मारतंड, दाउजली, हेंडिंग, बुर्जहोम या चिरांसी। तो 64 का उत्तर आपको करना है तो इसका सही उत्तर है बुर्जहोम। और बुर्जहोम वर्तमान में स्थित कहाँ है तो सभी लोग इस चीज को जान लें, बुर्जहोम स्थित है ये कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। 65 निम्नलिखित में से किस स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी से, गुपकराल से, मेहरगढ़ से या बालाकोट से? 65 का सही उत्तर करने का प्रयास करें तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर होगा गुफकराल। गुफकराल इसका सही उत्तर होगा। और गुफकराल स्थित कहां पर है तो ये स्थल भी कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कश्मीर में। चलिए 66 नंबर पर देखते हैं। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिलते हैं? राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़ या महागाड़ा से? तो सही कूट का चुनाव करना है, एक से अधिक सही हो सकते हैं। तो आप देखें 66 नंबर का सही उत्तर क्या होगा तो डी सही उत्तर है 1 और 2 यानी राखीगढ़ी और गुफकराल से। राखीगढ़ी और गुफकराल से। अगले प्रश्न पे। भारत के कुछ क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से कहां पे मिलता है? बिहार, कश्मीर, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है, अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बताया, कश्मीर। कई स्थान है कश्मीर में जहां पे ऐसे निवास मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? यानी अंदर एक गड्ढा नुमा बना के पत्थर ढक के रख रहे ना, तो गर्त निवास ये कहां की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति का। 69 पे आते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष, भट्ठे जहां बर्तन बनाए जाते थे। तो 69 का जो सही उत्तर है वो देखें तो सही उत्तर है तीसरा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष, ये दक्कन के टीलों। चूंकि मवेशी रखोगे तो भाई राख के टीले तो होंगे होंगे। चलिए 70 देखते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर? तो जो 70 का सही उत्तर है वो है दक्षिण भारत। राख के टीले वो दक्षिण भारत से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि पिछला प्रश्न आप कर चुके हैं दक्कन के राख के टीले। फिर देखते हैं चाक, व्हील यानी जिसे बर्तन बनाते हैं, का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या लौहपाषाण काल में? तो आपको बताना है इसमें, तो सही उसका उत्तर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने चाक का आविष्कार कर लिया था। 72 पे आते हैं, देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहां पर? बुर्जहोम में, पटना में, वाराणसी में या मेहरगढ़ में?
तो जो 72 का उत्तर है वो है बुरजुहोम, यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव समाधानों में बकरी को दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? अगला प्रश्न जो पूछा गया है, तो देखें बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, कहां पे? बुरजुहोम से। फिर देखें अगला है कथन और कारण वाला प्रश्न है, एक वो देखते हैं। कथन है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यकता की विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मकरण का विकास या और तथा उपयोग हो। तो यहां पर आपको देखना है कौन सा कथन और कारण सही है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखते हैं कथन और कारण में, इसका सही उत्तर जो है वो है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ये वाला फैक्ट तो सही है लेकिन इसका एक कारण, ये रीजन ये गलत है। आते हैं 75 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? चिरान, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह, बरुडीह। तो 75 देखिएगा, 75 का उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पर 75 का जो सही उत्तर होगा डी है, बरुडीह, ध्यान रखिएगा बरुडीह। और बरुडीह स्थित कहाँ पे है ये भी जान लें, बरुडीह स्थित है झारखंड, कहां पर स्थित है ये? झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 76 में यहाँ सुमेलित करना है, कुछ नवपाषाण कालीन स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। तो 76 नंबर देखेंगे, 76 में आपको करना क्या है, 76 का जो सही उत्तर है वो ए है, 76 का ए है, यानी देखिए नवपाषाण कालीन स्थल पांडुराज बाडेरिए पश्चिम बंगाल से है और कुचाई उड़ीसा से है और दाउजली हैंडिंग असम से है और पायन तरोल ये मेघालय से है। 77 पे आते हैं, यहां पर भी एक सूची है, ये भी ध्यान रखिए यहां पर भी एक सूची है, एक तरफ नवपाषाणकालीन स्थल है दूसरी तरफ राज्य है, तो यहां पर देखते हैं इसका 77 का जो सही उत्तर हो सकता है वो क्या है। तो 77 का जो सही उत्तर है वो ए है इसमें भी, यानी यहां पर देखिए कोलडीवा कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तनूर कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। हल्लूर कहां पे है? ये कर्नाटक में है। और पय्यमपल्ली कहां पे है? ये तमिलनाडु में है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ या इसको कैलकोलिथ भी कहते हैं, कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लव युग? 78 का आपको सही उत्तर करना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ताम्रपाषाण युग, इसी को हम कैलकोलिथ या चालकोलिथ बोलते हैं। 79 पे आते हैं, जिस युग में मानव ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज या मेटल एज? तो आपको 79 का उत्तर करना है, तो 79 का उत्तर है सी, चालकोलिथिक एज, ध्यान रखिएगा चालकोलिथिक एज। आते हैं 80 पे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, मानव ने सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग की सोना चांदी तांबा या लोहा? तो सही उत्तर है वो है तांबा, तांबा सबसे पहले प्रयुक्त करता है, उसके बाद तांबे के साथ में दूसरी धातु मिला के कांसा बनाता है और कांसे के बाद लोहा सबसे बाद में आता है उत्तर वैदिक काल में। 81 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं उसका चुनाव करना है, सारे कथन ढंग से पढ़िएगा। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचितता पहला है। दूसरा है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है। डी है उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। तो 81 का जो सही उत्तर है वो देखें, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बी सही उत्तर मिलेगा, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली है। आते हैं अगले प्रश्न पे, यहां पर देखिए अगले 82 नंबर पर, यहां पर आपको सुमेलित करना है, 82 नंबर प्रश्न पे सुमेलित करना है। तो देखें 82 में एक तरफ दिया हुआ है काल, एक तरफ अभिलक्षण दिए हुए हैं, तो देखें सही उत्तर क्या है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो ए होगा, सही उत्तर ए है। क्यों सही उत्तर ए है? क्योंकि पूरा पाषाण काल में ही मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, मध्य पाषाण काल में शिकारी था तथा पशुपालक था, नव पाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक था मतलब अन्न उपजाता था, और ताम्र पाषाण काल में वो कृषक की भूमिका में था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी एक देखिए आपको एक सुमेलित करने वाला दिया हुआ है, एक तरफ काल और एक तरफ विशेषता। तो 83 नंबर प्रश्न देखिएगा, 83 का भी उत्तर आप सभी लोग जान लें, 83 का उत्तर भी ए होगा, यहां पर 83 का उत्तर
ए होगा यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास थे, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल नदी तट पे लोगों ने घर बनाने प्रारंभ कर दिए। नव पाषाण काल में गर्त आवास या निवास स्थान बनाने शुरू कर दिए। ताम्र पाषाण काल में और अच्छा किया, कच्चे मकान बनाने लगे और हाथों के द्वारा कच्चे मकान बनाने लगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है आपको, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ संस्कृति है, तो आपको सुमेलित करना है। 84 में देखिएगा, 84 में जो सही उत्तर होगा ये ए होगा। तो अतिरपक्कम ये संबंधित है, पूरा पाषाण युग से संबंधित है। चौपनी मांडो ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। कुल्ली ये प्राक हड़प्पा यानी जब हड़प्पा काल शुरू होने वाला था उससे संबंधित है, उससे पहले से। इनाम गांव ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, जब मानव ने खूब तरक्की कर ली थी ताम्र पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव एक चित्र दिया हुआ है आपके सामने, तो उस पर आपको विचार करना है। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के स्थल। तो देखिए नंबर एक, जो नंबर एक है यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखिएगा, देखिएगा जो नंबर एक जो स्थल है, नंबर एक वो है मेहरगढ़। वो कौन सा स्थल है? वो मेहरगढ़ है जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा जो स्थल है वो है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है वर्तमान में, आप सभी लोगों को पता है। और उसके बाद एक तीसरा स्थल दिया हुआ है, तीसरा स्थल है वो है कोट दीजी। कौन सा स्थल है वो? कोट दीजी, वो भी कोट दीजी स्थल है ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथा जो स्थल है वो ध्यान रखें, जो चौथा स्थल है वो है सुत कोटदा, ध्यान रखिए यहां पर। अब यहां पर जो सही उत्तर है वो देख ले, 85 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीजी व सुत कोटदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल तामवती के नाम से प्रसिद्ध था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तामवती के नाम से प्रसिद्ध था यह आपको बताना है। कायत, गिलुंद, आहड़ या माहेश्वर? तो 86 का आपको उत्तर करना है, तो 86 में देखिएगा सही उत्तर क्या हो सकता है, तो आहड़ सही उत्तर हो सकता है, आहड़ ये सही उत्तर है। 87 में आते हैं, फिर से एक मानचित्र दिया हुआ है और वहां पे पूछा गया है कि यहां पर कौन सी संस्कृति इसका उदय हुआ या पल्लवित हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए बनास संस्कृति, चित्र धूसर पात्र संस्कृति, मालवा संस्कृति या जोरवे संस्कृति। तो यहां पर 87 में देखिएगा सही उत्तर, सभी लोग देखें, 87 का है सी, ध्यान रखें 87 का मालवा संस्कृति। अच्छा, जो मालवा जो क्षेत्र है वो है कहां पर ये भी जान ले। मालवा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर पर देखिए, फिर से एक तरफ संस्कृति दी हुई है, दूसरी तरफ क्षेत्र, तो आपको यहां पर मिलान करना है। तो 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 88 का सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्यों? आहाड़ संस्कृति जो संबंधित है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। कायथा जो संस्कृति है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर वो उसके बाद है सवालदा संस्कृति, ये पश्चिमी महाराष्ट्र से संबंधित है। और प्रभास संस्कृति ये दक्षिणी पश्चिमी से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 89 पे आते हैं। एक तरफ फिर से आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ संस्कृति, देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या होता है। 89 का सही उत्तर भी ए ही है। यहां पर देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश ये संबंधित है नवदा टोली से, पश्चिमी बिहार संबंधित है ये चिरांद संस्कृति से, पश्चिमी महाराष्ट्र ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है, और मध्य गुजरात ये रंगपुर संस्कृति से केंद्रित है। और रंगपुर का नाम आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला? दैमाबाद, उतनूर, मल्लूर, पय्यमपल्ली? तो 90 का आपको उत्तर करना है, तो यहां पर ध्यान रखें दैमाबाद, ध्यान रखें दैमाबाद, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर है। चलते 91 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिलते हैं?
पांच कमरों वाले मकान के अवशेष, इनाम गांव, उतनूर, हल्लूर या पय्यमपल्ली। तो 91 को आपका उत्तर करना है, तो यहां पर ध्यान रखें इनाम गांव। इनाम गांव से पांच कमरों वाला एक मकान मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। 92 देखते हैं, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्तित ब्रह्मांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, आहाड़, कायथा, सवालदा या मालवा। तो 92 का उत्तर आपको करना है, तो यहां पर सही जो उत्तर होगा वो डी यानी मालवा, ध्यान रखें मालवा। चलिए 93 पे आते हैं, ताम्रास्त्र या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो आपको दिशा बतानी है, तो यहां पर 93 का देखें उत्तर जो सही है वो है उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर और दक्षिण। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। इसमें भी एक सूची दी हुई है, एक तरफ ताम्रपाषाण स्थल है और दूसरी तरफ वहां पर होने वाले समाधान। तो 91 का जो सही उत्तर है वो देखें, 94 का जो सही उत्तर है वो देखें, वो सही उत्तर फिर से ए हो जाएगा। यहां पर देखें महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में, और पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान होता था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान होता था। चलिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, चलते हैं अगले और अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आप सभी लोगों को, सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले 95 में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले पाषाण काल, यानी सबसे पहले पाषाण काल को मान लेंगे। दूसरे नंबर पे उसके बाद में देखेंगे ताम्र पाषाण काल, उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है, ताम्र पाषाण काल, ध्यान रखिए ताम्र पाषाण काल। इसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता आ जाएगी, यानी तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन सा, लौह। तो इसमें सही क्या होगा, उत्तर सही होगा 95 का ए, ध्यान रखिएगा 95 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 200 ईसा पूर्व से, 1700 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से या 1300 ईसा पूर्व से। तो 96 का उत्तर आपको करना है, और 96 का जो सबसे उचित उत्तर है वो है 1300 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1700 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में या 1300 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में। 97 का उत्तर है वो ध्यान रखिएगा, लोहे का जो उपयोग है वो 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। तो लौह काल के विषय में कौन सा संबंध, वो कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। तो यहां पर सही नहीं है वो चुनना है, तो 98 का सी बिल्कुल ये राइट आंसर है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये स्पष्ट है। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में होता है। 99 पे प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी, किस पर आधारित थी, ताम्र तकनीक के प्रसार पर, कांस्य तकनीक के प्रसार पर, लौह तकनीक के प्रसार पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे 99 का सही उत्तर वह है लौह तकनीक के प्रसार पर, क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा सामने आ चुका था और बहुत बड़े पैमाने पर लोहे के औजार बनाए जा रहे थे। चलिए फिर एक सूची दी हुई है 100 नंबर प्रश्न पे, एक तरफ लौह उपकरण दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं जहां से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पे आपको मिलाना है, देखिए 100 में सबसे पहले अतरंजी खेड़ा कहां पर स्थित है, तो ये एटा यानी उत्तर प्रदेश में। अब देखें इसके बाद नोह कहां पर स्थित है, तो नोह ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिए यहां से भी लोहा मिला। चिरांद ये बिराद बिहार से संबंधित है, यहां से भी लोहा मिला। महिषादल ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यहां से भी लोहे की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो एक तरफ सूची दी हुई है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ लौह उपकरण की प्राप्ति, तो आपको फिर से सुमेलित करना है। तो यहां पर देखें 101 का जो सही उत्तर होगा, 101 का सही उत्तर
वो ए होगा। तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो राजस्थान यहां पर देखिए, राजस्थान, जोधपुरा, फिर महाराष्ट्र माहूरझारी, फिर कर्नाटक खल्लूर, फिर इसके बाद में तमिलनाडु आदित्य चन्नालुर यहां पर, ठीक है, आदित्य चन्नालुर। फिर इसका अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। तो चार स्थान दिए हैं, इन पर विचार करना है और उनका कालक्रम के अनुसार लगाना है। दमदमा, कुरनूल, तेक्कलकोट और नैकुंड। यहां पर देखिए 102 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 102 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 102 का सही उत्तर। तो यहां पर आप लोग सही सभी लोग क्रम से लगा सकते हैं, इन सब चीजों को क्रम से लगाने का प्रयास करें, अगर क्रम से लगा सकते हैं तो। या मेरे साथ देखें, देखें सबसे पहले जो स्थल आया वो आया कौन सा, कुरनूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थल आया दमदमा, फिर उसके बाद में कालक्रमानुसार देखें तो तीसरे स्थान पर आता है टेक्कमकोट, उसके बाद चौथे स्थल पर आता है नैकुंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी, चित्तित धूसर मृदभांड संस्कृति यानी PGW, फिर है उत्तरी काले मृदभांड वाले संस्कृति, फिर है दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। तो 103 का सही उत्तर आप लोग करने का प्रयास करें, तो 103 का जो सही उत्तर है वो है गैरिक मृदभांड संस्कृति। यहां पर ओसीपी का मतलब जान ले, ऑर्क ऑल कलर्ड पॉटरी, और कलर पॉटरी। अब यहां पर पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म जान ले, पेंटेड ग्रेवियर, चित्तित धूसर मृदभांड, और फिर NBPW का भी फुल फॉर्म जान ले, यहां पर है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 104 नंबर की ओर, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत में उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां और पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो 104 का जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल सही है सी, यहां पर सी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, ये हमें 104 का सही उत्तर लगता है। 105 में देखते हैं, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है, किस काल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो लौह काल से संबंधित हो जाएगा, यानी डी, दक्षिण भारत में जो समाधियां हैं वृहत पाषाण काल की वो लौह काल से संबंधित है। 106 में आते हैं, सूची फिर मिलानी है, एक तरफ स्थल दिए हुए दूसरी तरफ राज्य दिए हुए, तो आपको स्थल मिलाना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, ए में देख लीजिए सही सभी लोग, ए सही उत्तर होगा। पलवाई ये आंध्र प्रदेश का स्थल है और पिकलीहल ये कर्नाटक का स्थल है, इसके अलावा पोरकालम ये केरल का स्थल है और सेंगुगर्णम ये तमिलनाडु का स्थल है। 107 पे आते हैं, एक तरफ स्थान का नाम दिया हुआ है दूसरी तरफ संस्कृति, तो आपको सही करना है। 107 का जो सही उत्तर होगा वो देखिएगा वो ए होगा, 107 का, सोहन संस्कृति वो पुरापाषाण से संबंधित है, बुर्जहोम ये नवपाषाण से संबंधित है जो कि जम्मू कश्मीर, रंगपुर ये ताम्रपाषाण जो कि गुजरात, और आदिमचंदूल ये महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, एक तरफ फिर से देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, यहां पर कूट मिलाने हैं, कौन सा संबंधित है, बस्ती चिरान से मिली या समाधि पोरकालम से मिला या बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल से मिले। तो आपको सही कूट का चुनाव करना है और जो सही कूट है वो ध्यान रखिए, सही कूट आपको यहां पर 1, 2 और 3, यहां पर ध्यान रखिए 1, 2 और 3 दोनों, ये देखिए दोनों ये तीनों मिले हुए, बस्ती मिली है चिरान से, समाधि पोरकालम से, बस्ती एवं समाधि स्थल ये पिकलीहल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताम्र निधि या भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूप में से किससे संबंधित है। 109 का जो सही उत्तर होगा वो होगा गेरुए चित्तित मृदभांड, और ये ताम्र पाषाण काल की विशेषता है, गेरुए रंग ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। 110 पे आते हैं, फिर से ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, आपको कूट सुनना है, दिए गए
नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्राक ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, हाथ की कुलाड़ियां, मृदभांड या अस्थि अवशेष? डी आंसर होगा, डी राइट आंसर है, यहां पर ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है कहां से? बिला सुरगाम से, या हुड़स्की से, या भीमबेटका से, या महगरा से? तो 111 का सही उत्तर आपको करना है, तो यहां पर आप लोग बताएं भाई, यहां पर है बिला सुरगाम से, सही उत्तर है बिला सुरगाम से। 112 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे से, बोरी से, बागौर से, लखनिया से? तो 112 का जो सही उत्तर है वो ध्यान रखिएगा बागौर से। 112 का जो सही उत्तर है वो है बागौर से। यहां से मध्य पाषाण कालीन में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डीवा, चिरान, गुफकराल या लिंग सुगुर? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, सभी लोगों को सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लिंग सुगुर। 113 इसका उत्तर है लिंग सुगुर, ध्यान रखेंगे सभी लोग, लिंग सुगुर राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? हेरोडोटस ने, हीगेल ने, मार्क्स ने या डार्विन ने? तो यहां पर 114 का उत्तर आपको बताना है, और 114 का उत्तर है डी डार्विन ने। डार्विन ने मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। चार्ल्स डार्विन थे एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्री, एक कलाकार, एक जीव विज्ञानी? तो इसका उत्तर एक बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक जीव विज्ञानी थे, डार्विनवाद इन्होंने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन कहां के निवासी थे? ये निवासी लिखा हुआ है, कहां के निवासी थे? तो आपको बताना है कहां के निवासी थे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड के? तो 116 का उत्तर डी हो जाएगा, ये इंग्लैंड के निवासी थे चार्ल्स डार्विन। 117 पे आते हैं। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवी उत्पत्ति मत का, मानवीय उत्पत्ति मत का, एकात्मक उद्गम मत का या समांतर उद्गम मत का? तो अब आप सभी लोग इसका उत्तर करने का प्रयास करें, तो देखें इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा दैवीय उत्पत्ति मत का, ये खंडन करता था, ठीक है, डार्विनवाद का। अब देखिए 118, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं हेरोडोटस, हीगेल, बी क्रोचे या चार्ल्स डार्विन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। तो देखिए चार्ल्स डार्विन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो सभी लोग इसको ढंग से पढ़िएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है, तो 119 का उत्तर करने का प्रयास करें, तो 119 का उत्तर है 1859, यानी डी ये राइट आंसर है। 121 पे आते हैं। द डिसेंट ऑफ मैन ये किसने लिखा है, शेक्सपियर ने, कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने या चार्ल्स डार्विन ने? तो इसका सही उत्तर है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका चार्ल्स डार्विन। देखिए डार्विन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा, जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये कथन बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसने कहा है, तो ये चार्ल्स डार्विन का कथन है, इन्होंने बताया था और इसी पे इन्होंने डार्विनवाद दिया था। चलिए अगला प्रश्न है। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? जन्म लेने वाला प्राणी के रूप में, नृत्य करने वाले प्राणी के रूप में, वीणा बजाने वाले प्राणी के रूप में, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में? इसका सबसे उचित उत्तर होगा औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। फिर देखें 124, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था उत्तरी गोलार्ध से, दक्षिणी गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से या पश्चिमी गोलार्ध से? सही उत्तर है वो है दक्षिणी गोलार्ध, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। 125 देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहां पर शाब्दिक अर्थ बताना है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव संप्राणी, इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव संप्राणी, ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत, दक्षिण मानव संप्राणी। 126 पर पिथेंक्रेटोपस शाब्दिक अर्थ है,
तो यहाँ पर बताना है, नाम थोड़ा कठिन है भाई, है ना, तो 126 का बताना है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव, सीधा चलने वाला कपि मानव, सही उसका उत्तर है सीधा चलने वाला कपि मानव। 127 में आते हैं, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है, दसपदी, अष्टपदी, चतुष्पदी या द्विपदी। होमो इरेक्टस 127 का उत्तर आपको बताना है, तो यहां पर द्विपदी, द्विपदी को होमो इरेक्टस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 128 में, होमो सेपियंस नियंडरथल नामकरण में नियंडरथल क्या है, व्यक्ति है, स्थान है, उपकरण है या औजार है। तो 128 का उत्तर आपको सभी को बताना है, तो नियंडरथल एक स्थान है, ये नियंडरथल प्राणी हम कहते हैं, तो नियंडरथल एक स्थान है। 129 में आ जाओ, नियंडरथल स्थित है अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में। तो 129 का उत्तर देखें यहाँ पे, 129 का उत्तर है जर्मनी में। नियंडरथल कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिए ये जर्मनी में स्थित है, और इसी के नाम पर नियंडरथल मानव का भी नाम पड़ा। 130 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ध्यान रखिएगा 130 का सही उत्तर है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्रोमैग्नन स्थित है जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में, तो आपको इसका सही उत्तर करना है, तो इसका सही उत्तर है सी, फ्रांस में। क्रोमैग्नन मानव भी इसी के नाम पे पड़ा है। फिर देखें क्रोमैग्नन है, एक तो 132 नंबर देखते हैं, जर्मनी में स्थित एक घाटी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय, इंग्लैंड में स्थित एक नदी, अमेरिका में स्थित एक झील। तो 132 का जो सही उत्तर है तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। 133 पे आते हैं, प्लास्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, आपको बताना है, तो ये हिम युग का समानार्थी शब्द है, ध्यान रखिएगा। 134 पे आते हैं, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होलोसीन, ध्यान रखिएगा होलोसीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः किस पे निर्भर थे, ये आपको बताना है, किस पर निर्भर थे, आखेट पर, कृषि पर, उद्योग पर या व्यापार पर। तो देखिए यहाँ पर जो स्थित है ये किस पर निर्भर है, पूरा पाषाण कालीन ये पूर्णतः शिकार पर या आखेट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए 136 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था, तो वो कौन सा काल था, आपको इसका उत्तर करना है। तो देखें ये सही इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। 137 देखते हैं, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है, तो ये रचना बहुत फेमस है, ये गार्डन चाइल्ड की रचना है, और गार्डन चाइल्ड वही है जो आर्यों से संबंधित इन्होंने कुछ कथन बताए थे। 138 में आते हैं, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक या पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी, अलेक्जेंडर कनिंगम, मार्टिमर ह्यूलर, एचडी संकालिया, गार्डन चाइल्ड। तो 138 का जो सही उत्तर है वो है गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ये फेमस है और इनसे प्रश्न भी खूब सारे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 39 पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और उत्तर इसका है नवपाषाण युग। देखिए नवपाषाण युग में मानव ने खेती करना, मकान बनाना, ये सारा कुछ सीख लिया था। 140 पे आते हैं हम लोग, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक, जिसमें बर्तन बनते हैं, चाक निर्मित मृदभांड जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना प्रारंभ किया, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या लौह काल में। तो ये भी बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इसको स्पष्ट कर ले जाओगे, नवपाषाण काल में मानव ने बर्तन बनाना प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर चाक का आविष्कार भी किस काल में, नवपाषाण काल में, और बर्तन बनाना भी किस काल में, नवपाषाण काल में। 141 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, आपको बताना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहल, लोथल या मेहरगढ़, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर सही उत्तर है मेहरगढ़, कपास की खेती का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताओ मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। 142 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है,
तो बुर्जहोम भी है, गुफकराल भी है। अब इसके अलावा दो बस्ते हैं मारतंद और पांडुराजार ढीबी। तो 142 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पांडुराजार ढीबी। ये नवपाषाण कालीन जो स्थल है ये कश्मीर में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 143 में। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल, तो यहां पर कई बार हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अब सभी लोग देखें, चिरांद जो है ये बिहार में स्थित है। तो ये चिरांद 143 का जो होगा चिरांद, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, नवपाषाण कालीन स्थल ये बिहार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 144 पे। नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंगीन किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? 144 का उत्तर आपको बताना है, तो ये आपको बताओ जल्दी से, सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करें। मेघालय में स्थित है, ध्यान रखेंगे ये स्थित है मेघालय। 145 पे आते हैं सभी लोग। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित था? तो हल्लूर, टी, नरसिंहपुर, हिम्बगे, पय्यमपल्ली। तो 145 का उत्तर आपको करना है, तो आप सभी देखें इसका सही उत्तर है पय्यमपल्ली। ये सबसे दक्षिण में स्थित है नवपाषाणिक कालीन स्थलों में। अगले प्रश्न पे आते हैं 146 पे। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहाड़, कायथा, सवालदा, चिरान। तो जल्दी से उत्तर करने का प्रयास करें, जल्दी से उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये देखिए बनास संस्कृति, ये आहाड़ संस्कृति का ये नाम है बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति ये भी बताएं कि ये किस क्षेत्र में है, राजस्थान या मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप है? आहाड़, कायथा, नवदा टोली या जोरवे? तो 147 का उत्तर आपको करना है, तो 147 का जो सही उत्तर है वो है नवदा टोली। सही उत्तर है नवदा टोली, ध्यान रखेंगे 147 का उत्तर है नवदा टोली। फिर देखें अब अगला प्रश्न देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? केडी वाजपेयी, बीएस माकंड और संकालिया या मार्टिमर व्हीलर ने? तो देखिएगा नवदा टोली का जो उत्खनन किया वो एचडी संकालिया ने किया, और एचडी संकालिया भारतीय इतिहास में उत्खनन के कार्य से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए 148 में आते हैं। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। अब 149 पे आते हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? 10, 20, 30 या 40? तो इसका उत्तर करना है, तो इसका सही उत्तर है 40। यहां पर देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के कितने प्रकार, यानी जो भी पत्थर मिले हैं वो कितने प्रकार के मिले हैं? तो लगभग 40 प्रकार के। 150 में आते हैं। देखिए 150 नंबर प्रश्न फिर से देखें। निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? पय्यमपल्ली, पोरकालम, अरैयन्नूर या आदिचनल्लूर? तो इसका सही उत्तर है वो है डी, ध्यान रखेंगे। 151 में आते हैं। भारत में ताम्र निधि यानी कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ? मायापुर, झिंझरा, अतरंजी खेड़ा या गुनगेरिया से? तो इसका उत्तर करना है आपको, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुनगेरिया। गुनगेरिया इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताम्र निधि या कॉपर भंडार, ठीक है। चलिए 152 पे आते हैं। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण है। 152 देखें किस राज्य में स्थित है गुनगेरिया, तो गुनगेरिया ये स्थित है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 153 पे भोजपत्र, या इसको भुर्जपत्र भी बोलते हैं, भोजपत्र की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेखन ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिला? अईछत्र, अतरंजी खेड़ा, श्रृंगवेरपुर या नवदा टोली? तो 153 का आपको उत्तर करना है, तो 153 का जो सही उत्तर है श्रृंगवेरपुर, और श्रृंगवेरपुर ये इलाहाबाद के पास स्थान स्थित है और ये रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल ये स्पष्ट है 154, तो ये स्पष्ट है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद में स्थित है श्रृंगवेरपुर। इधर से ही होते हुए प्रभु श्री राम श्रीलंका की ओर गए थे। तो आज के ये प्रश्न रहे प्राक ऐतिहासिक काल के, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।